तो ये है Redmi 7S और इसका अनबॉक्सिंग आप देख चुके होंगे जी हाँ, स्पीड में आपको दिखा दिया था क्या कुछ मिल रहा है। और एक बार बता देता हूँ आपको, एक USB टाइप सी का चार्जर मिल रहा है, डाटा केबल मिल रहा है और उसके साथ उसका चार्जर मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो बॉक्स में ये सब मिलता है और साथ साथ दिखा दिया था कि ये कवर भी मिलता है आपको। अब हम बात करते हैं मोबाइल के बारे में। तो ये है मोबाइल, कुछ इस तरह दिखता है। ये ब्लू कलर वेरिएंट है और बहुत ही अच्छा दिखता है, ब्लैक से तो बेहतर दिख रहा है, क्योंकि जो मेरे पास नोट 7 प्रो है वो ब्लैक कलर का है, उतना अच्छा नहीं लगता, क्लासी लगता है वो, लेकिन ये ब्लू कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए फ़ोन बूटिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक बूट होता है मैं आपको एक और भी फ़ोन का दे देता हूँ। तो 6.4 इंच का यहाँ पे आपको एक फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, ये 1080p वाला डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 720 मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ बात करते हैं, तो नीचे में आप देख सकते हैं टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है और साथ साथ आपको स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन का ग्रिल देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.5mm जैक, नॉइज कैंसलेशन मिल रहा है, जी हाँ, सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन, और साथ साथ आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर भी मिल रहा है। अब इस साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर की अप एंड डाउन और पावर बटन दोनों मिल रहा है। इस साइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलता है सिम इजेक्टर, जी हाँ, सिम ट्रे, यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलता है। और पीछे की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 48+5MP का डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जी हाँ, यहाँ पे। और इसी के लिए इसका जो हिंच है ये थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं मोबाइल से थोड़ा ऊपर उठ के है, क्योंकि यहाँ पे जो 48MP का सेंसर है वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर उठ के है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Redmi बाय Xiaomi का ब्रांडिंग मिलता है। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है, अब आपको दिखा देता हूँ फ़ोन के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ वगैरह क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह Xiaomi जितना ब्लूटूथ मिलता है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और पेटीएम वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजन की ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब सेटिंग में आ जाता हूँ और सेटिंग में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन सेक्शन में। तो यहाँ पे आप अबाउट फ़ोन सेक्शन में देख सकते हैं डिवाइस नेम, मॉडल नंबर, जी हाँ मॉडल नाम है, नंबर जो है Redmi Note 7S एंड्रॉयड वर्सन 9 पे यानी कि पाई पे आपको देखने को ये मिल जाता है। सिक्योरिटी लेवल अप्रैल का है, MIUI वर्सन 10.3 है, स्टेबल वर्सन है। मॉडल नेम यहाँ पे लिखा गया है M1901F71। CPU यहाँ पे ऑक्टा कोर CPU है, जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। रैम 3GB है और इंटरनल स्टोरेज 32GB है, 32GB से यहाँ पे आपको 21.25GB अवेलेबल मिल रहा है। और सेंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कैमरा के व्यू आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या कुछ दिखता है यहाँ पर, आपको Xiaomi का तो पता ही होगा कैसा दिखता है, तभी भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा, और जब आप 48MP का खींचने को चाहेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मोड में जाना पड़ेगा, वो क्योंकि नोट 7S में तो ऐसा ही दिया गया, तो यहाँ पे भी वैसा दे सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 48MP का जो कैमरा है वो आप यहाँ से खींच सकते हैं प्रो मोड में जाके। तो ये सेम है नोट 7 प्रो के साथ, और नोट 7 प्रो और नोट 7S तीनों में आपको सेम ही डिज़ाइन देखने को मिलता है, सेम दिखते हैं तीनों, सिर्फ 675 वहाँ पे मिलता है प्रो में, और ये जो 7 एंड 7S है दोनों में आपको 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।
तो बस दोस्तों, इस वीडियो इतना ही, और ये क्विक ओवरव्यू था फ़ोन के बारे में, कैसा दिखता है आपको पता ही होगा क्योंकि सेम ही है फ़ोन, लेकिन फिर भी आपको दिखा दिया कैसा दिखता है, तो आपको पता चल गया होगा ये कैसा दिखता है। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में पता चल गया होगा कैसा दिखता है, क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बस, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देखते थे टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।